Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. कांग्रेस जरूर कह रही है कि नोटा को वोट दें। नकारात्मक राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की और ये शहर सकारात्मक है। ये शहर प्रेरणा देने वाला शहर है। ये शहर स्वच्छता में प्रेरणा दे रहा है, वैसे मतदान में भी प्रेरणा देगा और रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की। गुजरात में क्षत्रिय थोड़े से नाराज नजर। कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ मंच से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी को उड़ा दे वो कैलाश विजयवर्गीय, दूसरी तरफ दो दिन पहले सुमित्रा महाजन कह रही हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हम तो जीते जिताए थे। अब भले लोगों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को नहीं नोटा को वोट देंगे। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, सुमित्रा जी हमारी बड़ी नेता हैं। पर कांग्रेस जरूर कह रही है कि नोटा को वोट दें। नकारात्मक राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की और ये शहर सकारात्मक है। ये शहर प्रेरणा देने वाला शहर है। ये शहर स्वच्छता में प्रेरणा दे रहा है, वैसे मतदान में भी प्रेरणा देगा और रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर, कई प्रदेशों की जिम्मेदारी आप पर रहती है। कश्मीर में 370 के लिए बीजेपी ने काफ़ी प्रचार किया है, लेकिन वहीं चुनाव लड़ने से किनारा करते दिख रहे हैं। कौन किनारा करते हुए दिख रहे हैं? 3 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। देखिए, ऐसा ये राजनीति एक रणनीति होती है और इस रणनीति को आपको थोड़ी बताएंगे हम क्यों प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्यों नहीं उतार रहे हैं। हमारी कुछ उसके पीछे रणनीति है। सर, दो दिन पहले अमित शाह का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पहले ये बात हो रही थी कि हम हैट्रिक जीतेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं 1 से 2 सीटों पर नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सब सीट जीतेंगे। गुजरात में क्षत्रिय थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को ही देगा। छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी भी आप पर थी, लेकिन छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और 29 सीट मध्य प्रदेश में जीतेंगे। सर, जितने दिन छिंदवाड़ा में रहे उतने दिन कांग्रेसियों को आप बीजेपी में शामिल करते रहे। इंदौर आए तो ऐसा आपने कमाल किया कि पूरा कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में नींद उड़ गई। ऐसा क्या करते हैं आप, क्या कहते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लोग मेरे पास अपने आप ही आ जाते हैं और कहते हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करना। सर, दो दिन पहले आपने एक बात और कही कि कमलनाथ जो है अकेले होते तो हम बीजेपी में ले लेते, तो क्या फिर से ऐसी चर्चाएं हो रही है, फिर से कोई लाने की? अभी इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, पूरी तरह से हम यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। फिलहाल 4 जून को नतीजे बताएंगे क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari.